रेलवे ईएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी? क्या टीसीएस कराएगी या कोई अदर एग्जाम कंपनी कराएगी? रेलवे टेक्नीशियन और आपका ईएलपी का, तो बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। आखिर रेलवे का जो एग्जाम है इस बार कौन कंडक्ट कराएगी, टीसीएस कराएगी कि अदर कंपनी कराएगी? इसी चर्चा पे आज जो वीडियो पर चर्चा कर लेते हैं, आखिर कौन सी एजेंसी आप लोग का कंडक्ट कराएगी एग्जाम, ठीक है। और साथ ही बात कर लेते हैं आखिर टेक्नीशियन का और एएलपी का मोस्टली सीबीटी फर्स्ट जो आपका एग्जाम होना है वो किस मंथ में कंडक्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जब कोई वैकेंसी जब जारी की जाती है तो उसके एग्जाम कौन सी एजेंसी कराती है उसका टेंडर जारी किया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी अगर वैकेंसी जारी की जाती है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए एक ओपन टेंडर जारी करता है एग्ज़ाम यानी भर्ती बोर्ड, RRB, ठीक है। तो ओपन टेंडर में बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमेशा सबसे ज़्यादा जो कंपनियां नामी होती है, जैसे आपकी TCS हो गई, ये तो हमेशा अप्लाई करते हैं। बहुत सारे मोस्टली जो एग्ज़ाम TCS ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। उसके बाद और भी कंपनियां जो रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो और भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो भी जो ओपन टेंडर में भाग ले सकती हैं। तो बहुत कम ही कंपनी, अच्छी जो कंपनी होती है वो ही भाग लेती है ऐसे एग्जामों में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट होगा कि क्या TCS एग्ज़ाम कराएगी कि अदर कंपनी कराएगी। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 19 तारीख का जो है ये नोटिस टेंडर का जारी किया गया था, इसकी शॉट लगा दिया है मैंने, देख सकते हो यहाँ पर सारा, यहाँ पर जो है किस डेट में टेंडर जारी किया गया, तो किस डेट को टेंडर क्लोज किया गया, ठीक है। टेंडर जो 19 तारीख को क्लोज हो चुका है, ठीक। जो कंपनियाँ हैं, देखिए TCS ने भी भाग लिया है। तो अब बात कर लेते हैं आखिर TCS कंपनी ही जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो इसके कितने चांस है? देखिए इसके 90.99% जो है चांस जो है वो TCS के ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के, पूरी ऐसी जो है जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। TCS ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पूरी उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि मैं, लेकिन 90% कंफर्म हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो TCS ही कराने वाली है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो कंपनियां हैं वो टेंडर, ओपन टेंडर जारी होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है किसको टेंडर देना है किसका नहीं। तो TCS एक मेन कंपनी कह सकते हो आप, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और अच्छी कंपनी मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही, तो 90% जो आप लोगों का है वो TCS ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है आप लोगों का। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए सारा डिटेल रखा हुआ है, ये दूसरा स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा जो है ओपन टेंडर कर लो, किनको क्या, कौन कौन लोगों ने अप्लाई किया था टेंडर को और किसको टेंडर मिलने के चांसेस है। तो TCS सबसे ज़्यादा चांस है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वो TCS कराएगी, लेकिन लास्ट टाइम की जो भर्ती हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपको देखा जाए तो इस बार का थोड़ा रूल में थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जो इस बार का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा क्या गाइडलाइंस, वो सारी आपको एग्जाम के टाइम पता चलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा रूल में चेंजमेंट किया गया है, मैंने आपको बता दिया है कि TCS के सबसे ज़्यादा चांस है आपका एग्जाम कंडक्ट कराने की। रही बात की, अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर अब एग्जाम किस मंथ में कराने की पूरी कोशिश है RRB की, यानी भर्ती बोर्ड आखिर किस मंथ में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि TCS का एग्जाम देखिए SSC भी कंडक्ट कराती है, ठीक है। SSC का एग्जाम जो होता है वो TCS ही कंडक्ट कराती है, सॉरी, ठीक। तो इसमें एक आई थिंक अगस्त में तो पॉसिबल नहीं, यानी कि इस मंथ में तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आखिर एग्जाम कंडक्ट कब हो सकता है, एक एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है,
इसके भी ना के बराबर चांसेस, क्योंकि सितंबर का ऑलरेडी जो है आपका कैलेंडर जारी हो चुका है, आपका एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं, तो वो भी टीसीएस ही कराती है। तो इस बीच में थोड़ा सा डाउट है कि सितंबर में हो सकता है, तो 50-50 चांसेस कह सकते हो सितंबर में भी मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम कंडक्ट करा पाएगी ये। तो नवंबर लास्ट तक, ठीक है, नवंबर लास्ट तक आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट हो सकता है सीबीटी फर्स्ट हाफ का, रेलवे का, ठीक है। तो ये रही, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं आखिर एक एस्पेक्ट क्या कर सकते हैं, किस डेट किस मंथ में आप लोग एग्जाम कंडक्ट करा सकता है रेलवे। तो नवंबर के लास्ट में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन के मैंने आप लोग को जवाब दे दिए हैं। आखिर टीसीएस से जो सबसे ज्यादा चांस है आप लोग का एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगी, वो टीसीएस कराने के चांस है। और रही बात की आपका एग्जाम किस मंथ में होगा, तो टेक्नीशियन का आपका एग्जाम जो है वो आप लोगों का नवंबर मंथ में होने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। रहा आपका सीबीटी फर्स्ट का, सीबीटी सेकंड आखिर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए सीबीटी सेकंड जो है आप लोगों का मे बी पॉसिबल है या दिसंबर लास्ट तक जा सकता है, ठीक, दिसंबर लास्ट तक आप लोगों का सीबीटी सेकंड जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 50-50 चांसेस आपका, आप लोगों का मैंने पहले ही बता दिया, जो आपका सीबीटी फर्स्ट होना है वो नवंबर में हो सकता है, और आपका सीबीटी टू है जो वो दिसंबर लास्ट तक जा सकता है। तो एंड तक आप मान सकते हो कि आप लोग के सीबीटी फर्स्ट सीबीटी टू आपका इस साल हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को बताने के लिए मैंने सोचा आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं बहुत डाउट में थे कि आखिर कब हम लोगों का, सर हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कौन सी एजेंसी कराएगी, और हम लोग का एक एक्सपेक्ट बता दीजिए किस मंथ में हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांस लग रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे तो मैंने बता दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी ओपन टेंडर होते हैं, तो ओपन टेंडर क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया है अभी। ओपन टेंडर जब निकलता है, जब कोई परीक्षा कराई जाती है तो ओपन टेंडर ही निकलता है। ओपन टेंडर में बहुत लोग भाग ले सकते हैं जो रजिस्टर होते हैं, नामी कंपनियां ने हर बार के तरीके, देखिए बहुत सारे जो टेंडर जो निकलता है जो एग्ज़ाम का, तो अप्लाई करने के लिए बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं। तो मेन जो बड़ी कंपनियां होती हैं, अच्छी कंपनियां होती हैं, उन्हीं को ही टेंडर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का टेंडर जो है 99% जो है आप लोगों का एसएससी ही कराएगी, ठीक है। एसएससी का एग्जाम ही टीसीएस कराती है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, कभी भी दाग नहीं लगा उस पर कि यह एग्जाम उनका खराब हुआ, ये एग्जाम सही से नहीं कराया। तो टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, तो इसलिए जो है चांसेस जो बिल्कुल लग रहा है रेलवे जो एग्ज़ाम जो कराएगी टीसीएस ही कराएगी रेलवे के। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लिए ताकि आने वाली पल पल की अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले प्रोवाइड की जाए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक की स्टूडेंट की वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।